सीट पे चुनाव हो रहे हैं रीपोल, और उसमें दो पे कांग्रेस, एक पे टीएमसी, एक पे झारखंड में अदर पार्टी जा रहा है, और छह पे कहीं ना कहीं बीजेपी लीड कर रही है, कुछ सीटों पे तो क्लियर भी हो चुका है। देखिए बड़ा स्पष्ट है, आज पूरा देश मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके साथ चलना चाहता है। वो अपने क्षेत्रों में विकास देखना चाहते हैं और उनको आज मोदी जी पे विश्वास है और मोदी जी विकास का पर्यवेक्षक बन चुके हैं, इसलिए जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ ज़्यादातर सीटों पे भाजपा जीत रही है। वहीं रजौरी गार्डन से आम आदमी तीसरे स्थान पे है, कांग्रेस सेकंड पे है और बीजेपी जीत चुकी है। कांग्रेस सेकंड पे तो है पर आम आदमी की जमानत जब्त हुई है, ये ध्यान रखिए। ये बड़ा स्पष्ट है, ये दिल्ली के आने वाले एमसीडी चुनाव का रिजल्ट पहले ही समझ लिया जा चुका है। दिल्ली की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया, कोई रजौरी की सीट से क्लियर है कि दिल्ली की जनता का रुख एमसीडी चुनाव में क्या रहने वाला है। और मुझे लगता है एमसीडी चुनाव में हम वापस बात कर लेंगे, चुनाव के बाद लगभग 270 सीटों पे हम जीतेंगे, 272 सीटें दिख रही है और इनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं आम आदमी पार्टी के। 10 सीटों पे चुनाव हुआ पूरे देश में, उसमें दो कांग्रेस को, एक टीएमसी को, एक झारखंड में, बाकी 6 सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी लौट रही है। और सब कहते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी आए, कांग्रेस 2 सीट पे जीत गई है, टीएमसी भी जीत गई है, क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो है, जिस प्रकार से आज 10 बाईपोल्स में से अधिकांश सीट पे भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना के जीत रही है, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जो लहर 2014 में थी, मोदी जी के साथ जो जनता थी, उनके विजन के साथ जो जनता खड़ी है, जिस प्रकार का काम मोदी सरकार ने किया है, आज नतीजा है कि पूरे देश में कमल खिल रहा है। दिल्ली में अहंकारी आम आदमी पार्टी की जो सत्ता थी यहाँ पर, वो धीरे धीरे चरमरा रही है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और ईवीएम मशीन को लेकर जिन लोगों ने राजनीति की है, जिन लोगों ने कहा कि ईवीएम इज़ माल फंक्शनिंग, उनको कहिए कि राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल फंक्शनिंग नॉट ईवीएम, काम नहीं कर, ईवीएम तो काम कर रहा है, उनके नेता काम नहीं कर रहे हैं, तो वो इंट्रोडक्शन करे, वो पश्चाताप करे, वो चिंतन करे, ईवीएम पर अटैक करने से कुछ नहीं होगा। आम आदमी के कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया, तीसरे स्थान पर आ गया कांग्रेस, वहीं सेकंड स्थान पर। देखिए केवल आम आदमी पार्टी का जमानत ही जब्त नहीं हुआ है, पूरी तरह से जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी ने खो दिया है। जब आप सोचते हैं कि शाम तक आप चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और सुबह तक प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बीच जमानत जब्त हो ही जाता है। यही असर रहेगा एमसीडी। देखिए एमसीडी में अभी तो एक जमानत जब्त हुआ है, एमसीडी में 272 जमानत आम आदमी पार्टी का जब्त हो जाएगा। 10 सीट के रीपोल में बीजेपी को अच्छी खासी लीड मिलती हुई दिख रही है, 5+ स्थिति बनता हुआ दिख रहा है। वहीं दिल्ली में आम आदमी का जमानत जब्त हो गया, कांग्रेस सेकंड पे, बीजेपी अच्छी जीत दिल्ली में दर्ज की है, बंगाल में सेकंड स्थान पे चल रहा है। कहीं ना कहीं जहां बीजेपी अपनी सीट क्लियर कर लिया वहां जीत दिखा रहा है और बाकी जगह सेकंड, ये क्या दर्शा रहा है? पूरे देश में जहां जहां भी बाई इलेक्शन हुए हैं, हमारे वोटिंग परसेंटेज में वृद्धि हुई है, हमारी सीटें बढ़ी है, और पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट में हम वीक है, वहाँ सेकंड नंबर पे हम हैं। तो मुझे लगता है कि यही दर्शाता है मोदी जी पर लोगों का भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी का बेस बढ़ रहा है, पार्टी का भरोसा बढ़ रहा है, और इसी का कारण है राजस्थान में बसपा की सीट हमने जीती है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीट हमने जीती है, हिमाचल में कांग्रेस की सीट हमने जीती है, और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी को लोगों ने पूरी तरह से नकारा है, उनकी जमानत भी बच नहीं पाई है और कांग्रेस 2 नंबर पर है। इससे ये दिखता है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। कल ये लगभग 13-16 पार्टी राष्ट्रपति के पास पहुंचे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, कांग्रेस को 2 सीट मिली है, टीएमसी को 1 सीट मिली है, बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिली है, और दिल्ली में आम आदमी का जमानत जब्त हो गया और कांग्रेस सेकेंड स्थान पर, और दिल्ली में रजौरी गार्डन बीजेपी जीत चुकी है सीट। देखिए ये जो भारी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसके लिए हमारे एक एक कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं। और जहाँ तक इस जीत का जो मेन वैल्यू है, जो महत्व है, मूल्य है, वो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका जो एक जादू है वो है। क्या है उनका जादू, इसको भी अब इस पर भी अध्ययन होगा देश में। उनका जादू है कमिटमेंट, उनका जादू है डिलीवरी, उनका जादू है गरीबों को और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को सरकार होने का एहसास दिलाना, ये है उनका जादू। और ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है। जो लोग ईवीएम की बात करते हैं उनको अब समझ में आ जाएगा कि ईवीएम का मतलब क्या होता है। जब वो जीतते हैं 67 सीट पाते हैं तो ईवीएम ठीक, जब उनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं तो ईवीएम में उनको दोष नज़र आता है। उनको आवश्यकता तो इस बात की है कि वो चुनाव आयोग ने जो चैलेंज किया है उसके चैलेंज का उत्तर दे, उनका कोई हैक करके दिखलाए ईवीएम मशीन को।
तो उनके चुनाव आयोग की इस चैलेंज को उनको सामना करनी चाहिए अगर वो आरोप लगाते हैं तो। कहीं ना कहीं यही रिजल्ट रहेगा एमसीडी में ऐसा ही। देखिए एमसीडी में हो चाहे कोई बाई इलेक्शन हो चाहे कोई जनरल इलेक्शन हो, अब समय आ गया है डिलीवरी का और मोदी जी की जो लहर है वो डिलीवरी की लहर है। लोग मांगते भी नहीं हैं, एप्लीकेशन भी नहीं देते हैं, लेकिन उनके घरों में गैस कनेक्शन पहुंच रहा है, ये है हमारी डिलीवरी। शौचालय के लिए तरसते हुए लोगों को उनके घर में शौचालय बना देना, ये है हमारी डिलीवरी। ये छोटी छोटी डिलीवरी है लेकिन बड़े बड़े रिजल्ट देने वाली ये डिलीवरी है। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया था, प्रधानमंत्री जी का भी निर्देश था कि सभी एनडीए पार्टनर को बुलाए, 33 पार्टनर में 32 उपस्थित हुए थे और सबसे बड़ी बात है कि एक एक लोगों की बात सुनी और संगठन पर भी और देश की राजनीति पर भी बात हुई। यहाँ आए थे हम तो औपचारिकतावश उनके घर पर भी मिलना हमने उचित समझा, इसीलिए यहाँ पर आ गए थे और आने के बाद स्वाभाविक है बात होती है। वो राज्य में जो राजनीति परिदृश्य सभी चल रही है, चाहे पार्टी का मामला हो या महागठबंधन सरकार का मामला हो, उस पर भी बात किया। साथ साथ हम अपनी पार्टी की भी स्थिति पर बात किया कि हमारे पार्टी के लोग थोड़ा सा अभी अछूता हैं, काम करने में दिक्कत हो रही है और 21 मई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हम एक सम्मेलन करने जा रहे हैं और अभिनंदन समारोह ही माना जाए। थैंक यू। मिल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने अनुरोध किया है कि 21 तारीख को सम्मेलन में आ रहे हैं, ये बड़ी जीत और देश के जो स्थिति है उसके चलते आप लोगों को हम अभिनंदन करना चाहते हैं। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हम बुलाएंगे, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जी को आप लिख लीजिए, हम भी उनसे बात करेंगे और हम तो निश्चित आएंगे। तो बहुत धन्यवाद दिया उनको और यहाँ तक हमारी पार्टी के लोगों को, जैसे बहुत से बोर्ड है निगम है, हम समझते हैं कि हमारे लोग कहीं रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे के ऊपर लगातार घोटालों के खुलासे हो रहे हैं, सुशील मोदी कर रहे हैं लगातार खुलासे, किस तरह से देखते हैं? देखिए वो बात तो सही है वहाँ कि गुदड़ी पहन करके वो घी पीते हैं अंदर अंदर, यही बात वहाँ पर चल रही थी और है। वैसे परिस्थिति में हम भी कहे हैं कि इसकी जाँच होनी चाहिए, लालू जी ने भी कहा है बहुत ईमानदारी से, चाहे जिस हालत में हो कि जांच होनी चाहिए, तो जांच हो, जांच होने के बाद जो स्थिति आएगी उसको समझा जाएगा।